सो दोस्तों, आज का ये वीडियो है, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है तो अगर आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं उसको, मतलब फ्रीजर के अंदर रख देते हैं तो उसको क्या होता है। चलिए, आध घंटे के लिए मैं इसे फ्रीजर के अंदर रखता हूँ और फिर देखते हैं। ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, मैं इसमें पबजी प्ले कर रहा था। सो आपको पता ही है, पबजी प्ले करते हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर कैसा आपका फ़ोन हो जाता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा हीट है और उसकी बैटरी भी ऑलमोस्ट फोकस 15% है। तो चलिए, मैं इसको फ्रीजर के अंदर रख देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बर्फ़ के भी 2 ट्रे हैं और उन्हीं के ऊपर मैं इसको ऐसे के ऐसे रख देता हूँ। सो यहाँ पर रख देते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं और मिलते हैं आध घंटे के बाद। सो लेट्स वेट। चलिए गाइस, देख लेते हैं फ्रिज के अंदर से मैं जैसे ही फ़ोन को बाहर निकालता हूँ तो वो कैसा निकलता है। तो अभी करीबन आध घंटे के टाइम हो चुका है और ये देख लीजिए, फ्रिज के अंदर फ़ोन मैंने रख रखा है और यहाँ पर मैं इसको ऑन करके, चलिए ऑन तो हो गया है। सो गाइस, अभी तो फ़ोन चालू है और चलिए मैं इसको चार्जिंग के ऊपर लगाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या कुछ दिखाता है। सो मैं यहाँ पर फ्रिज के ऊपर ही इसको, यहाँ पर देखिए चार्जिंग ऑन किया और मैं जैसे ही इसको चार्जिंग के ऊपर लगाता हूँ, एक मिनट स्क्रीन मैं सही से फुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए ओपन को ऑन कर रहा हूँ मैं फ़ोन को, तो ऑन तो हो गया है गाइस। पर मैं जैसे ही इसको देखिए स्लाइड करता हूँ ना, देखिए इसमें अलग सा ही कुछ टेक्सचर आ रहा है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लर सा हो करके स्लाइड हो रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चार्जिंग लगा कर, कहीं पर फ़ोन ख़राब ना हो गया हो। सो गाइस, इसी बात पर एक तो लाइक बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैं देखिए चार्जिंग यहाँ पर से मैं इसको दबा करके लगा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे चार्जिंग के लिए लग चुका है ये, और फ़ोन की बैटरी फोकस। सो यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है कि बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, प्लीज़ डू नॉट चार्ज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लो हो चुका है बैटरी का टेम्परेचर, तो थोड़ी देर के इसे बाहर रख लेते हैं फिर इसको चार्जिंग के लगाएंगे। अगर आप अपना फ़ोन कभी भी फ्रीज के अंदर रख देते हो, गर्मियों के अंदर आपका ज़्यादा हीट हो जाता है तो आपके फ़ोन के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़्यादा टेम्परेचर के लिए कभी भी फ़ोन के अंदर ना रखें। और इसका जो बाहर वाला जो कवर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है कि बेहद ज़्यादा, देखिए हाँ ये देखिए, मतलब पहले इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल था पर अब इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। सो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर यहीं पर ही रख देता हूँ और फिर इसको चार्ज लगा कर देखते हैं ये चार्ज लगता है या नहीं गाइस। सो गाइस, इसमें रूम टेम्परेचर के ऊपर मुझे रखे रखे कम से कम भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं। चलो, इसको मैं फिर से एक बार चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो एक सेकेंड, यहाँ से पकड़ के एंड ये लग भी नहीं पा रहा है। हाँ, अब लग गया। सो गाइस, एक सेकेंड वेट करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चार्जिंग के लिए ये फ़ोन लग चुका है। सो गाइस, अगर आपको ज़्यादा मतलब हीटिंग हो जाती है समर के अंदर तो आप कभी भी अपना फ़ोन फ्रीज़र के अंदर तो बिल्कुल भी ना रखें। ये एक ट्यूटोरियल था कि अपना मोबाइल फ़ोन अगर हम फ्रिज के अंदर, डीपली फ्रीज के अंदर रख देते हैं और उसे डीप ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, तो आपके सामने ऐसी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और आप ज़्यादा मतलब हीटिंग के अंदर रखते हो तो ऐसी ही वार्निंग आपको हीटिंग के अंदर भी देखने को मिलती है। मैंने एक बार टेस्ट उसके ऊपर भी किया था। सो गाइस, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू गाइस।